दबा के रखने का नहीं, दबा के छोड़ने का, दबा के रखा तो डीजल नीचे गिर जाएगा, छोड़ेगा ना। फॉगिंग मार के हो गया ना पहला, गैस गैस बंद करने, पूरा बंद कर, खाने पीने के ऊपर नहीं मारने का, निकल भी दिया ना तो भी चलेगा, गैस निकाल दे, बंद होने के बाद मैंने इसके अंदर डीजल देता है, कॉइल गर्म रहता है तो आपका धुआं फिर भी आता रहेगा, ये पूरा धुआं खत्म करना है आपको, जब तक उधर से डीजल का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा छिलका गिरता नहीं ना तब तक पूरा निकाल लेने का। ये निकल के भी ना आपका मशीन 3 से 4 मिनट आराम से चल सकता है वही धुएं के साथ, तो मतलब इससे आप गैस भी थोड़ा बचा सकते हैं, जब भी बंद करने का रहेगा तभी आपका आधा एरिया कवर हो गया ना धुआं मार के, आधा एरिया बिना गैस के ही मार सकते हैं भैया, वो बेसमेंट है, बेसमेंट में मार देंगे, बेसमेंट है ना, कैसे मार लो मुझे ऑटोमेटिक सके चिक्कल वगैरह आपको ना पानी अरे संध्या का टाइमिंग ना मार दो सुना था बाहर के दो थोड़ी टाइमिंग में ना सकाई मारून फायदा नहीं, थोड़ा थोड़ा डीजल का ड्रॉपलेट आना चालू हो गया, इतना धुआं आपका गैस कैन निकलने के बाद भी चलेगा, छिलका गिरना चालू होगा थोड़ा थोड़ा डीजल के, देखिए अभी क्या करना है आपको, पानी पे लेना, पानी पे लेना, पानी पानी के लिए आपको ये पंप नहीं है, अलग पंप है, हाँ तो पानी मारने का है, ये पानी ना ऐसा आना चाहिए, ऐसा पानी आप करा लाइन से, मतलब आपका कॉइल भी साफ है, नोजल भी साफ है, जो जो कॉइल है वो अंदर से कार्बन पकड़ लेगा, कार्बन जमा होता है उसका आगे का नोजल रहता है एकदम छोटा पॉइंट रहता है, अपने गाड़ी का कैसा डीजल का इसमें साइलेंसर में काला काला जमा रहता है उतना जम गया ना उसमें थोड़ा, तो भी जैसे पानी गिर रहा बाहर वहाँ का तो साफ हो जाएगा, कोई घूमेला है आपने मारा और 5-10 मिनट भी रुके बाद में पानी मारने जाओगे वो भी नहीं आएगा, आपको तुरंत ही मारना है पानी, गर्म रहता है, और कभी अगर हो भी गया ना तो पहले नोजल खोल के खुल जाता है छोटे तार से साफ करने का, काला काला कार्बन जमा देगा कभी हो गया तो, आगे का आगे ये वाला नहीं था, अगर वो खोल वो साफ करके भी पानी नहीं आ रहा तो समझना आपका कॉइल चौकअप होगा, बस इतना ही करना है और कुछ, एक और बोतल मार पानी लो थोड़ा और, पूरा पानी खत्म हो गया, एक दो बोतल आपसे साफ करो, एक दो बोतल